दोस्तों बिहार वन विभाग में 1800 प्लस पदों पर बहाली होने जा रही है, जिसका अपडेट आ चुका है। दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करते हैं, बिहार के युवा हैं, आपका एज 18 वर्ष हो गया है, तो दोस्तों आप सभी के लिए यह सुनहरा मौका है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्या अपडेट है, कौन कौन से पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, तमाम जो अपडेट है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपको जो अपडेट आया है उसमें क्या क्या बताया गया है। दोस्तों आज ही का पेपर है, यानी आपको आज 23 अक्टूबर है और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वन जलवायु परिवर्तन विभाग में 1801 पदों पर दोस्तों यह वैकेंसी होने वाली है। यानी दोस्तों कल आपका जो मंत्री है डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा, यानी वन विभाग का जो मंत्री हैं, आप लोग देख सकते हैं जिनके जी में आता है, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न आपको सेवाओं के लिए 1801 रिक्त हैं। इन पदों पर जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरा करने के पहल करने के लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो उनसे संबंधित योजना के आधार पर लाने के लिए बाहरी स्रोतों के माध्यम से आवश्यक मानव बल की कमी दूर, आवश्यकता अनुसार संविदा आधारित पद पर यात्रा शीघ्र, यानी दोस्तों अगर इसमें कोई ऐसा भर्ती भी होगा जिसमें संविदा के आधार पर उसको भी मानव बल के लिए पूरा किया जाए। मंत्री के कहना है, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह बात आयरन भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभाग में रिक्तियों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में विभाग के सचिव प्रधान, मुख्य वन रक्षक प्रधान, मुख्य वन रक्षक विकास, मुख्य वन रक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास शामिल थे। तो दोस्तों देख सकते हैं मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को जानकारी दी गई कि वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी, निम्न वर्गीय लिपि, असुल लिपि और अमीन के नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर क्लियर की जा रही है। वर्तमान में वाहन चालक के पद पर नियुक्ति के लिए 57 सफल अभ्यर्थी की सहसा प्राप्त हुई है। सफल अभ्यर्थी के दस्तावेज की जांच कराई गई है। इस मामले में उच्च न्यायालय पटना के तत्काल चालक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी। यानी दोस्तों आप लोग भी न्यूज पढ़े होंगे, यानी 4 सप्ताह पहले का जो कि चालक भर्ती पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक भी लगा दिया गया था, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण कि आपको अगली तिथि को 24 अक्टूबर का इसका सुनवाई है, यानी कल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भर्ती आने वाली है, जो आपको स्वीकृति है पद, आप लोग देख सकते हैं क्षेत्र पदाधिकारी जिसमें स्वीकृत पद 156 है, कार्यरत आपको 105 यानी 51 पोस्ट खाली है, तो इस पर भर्ती आएगा। वनपाल में आपको 346 सॉरी दोस्तों यहाँ पर है, वनरक्षी यानी फॉरेस्ट के लिए आप 1113 पदों पर भर सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपि के लिए 67 पद है, उच्च वर्गीय लिपि के लिए 46 है, प्रधान लिपि के लिए 25 है, उसी प्रकार से सहायक आपको अधिकारी के लिए 3 है, सुलिपि के लिए 34 है, अमीन के लिए 18 है, आपको इस प्रकार से चालक के लिए 82 यानी टोटल मिलाकर आपको 1801 पोस्ट पर यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो जॉब गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं। यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, कृषि विभाग में 1427 पदों पर भर्ती, जल्द यहाँ पर यह भी भर्ती होने वाली है, जो कि कुछ पदों पर अंतिम आपको चरण में चल रहा है और कुछ पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों यही अपडेट है, कब तक भर्ती आती है देखिए, क्योंकि दोस्तों पेपर में तो आ गई है, लेकिन अगर आपको रियल में आएगी तभी सभी अभ्यर्थी खुश भी रहते हैं और अच्छा भी रहता है, क्योंकि बहुत जगह पेपर में कागज़ में तो भर्ती आ जाती है, लेकिन भर्ती रियल ज़मीनी स्तर पर आएगी तभी आपको खुशी होती है। और जो कैंडिडेट है उनका यही मांग भी होता है कि भर्ती होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ा हुआ है। दोस्तों यह जानकारी को लेकर क्या आपके मन में राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।